अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद राबिया बेग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो आज हम बनाएंगे चना कैबेज की सब्ज़ी। चलिए देखते हैं कि हम इसे किस तरीके से बनाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉर नोटिफिकेशन आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा उसमें हम 3 हरी मिर्च डालेंगे जिससे हमने स्लिट कर लिया है। ये तीखी वाली हरी मिर्ची है, इसे हम फ्राई कर लेंगे 1/2 मिनट के लिए। मिर्ची का फ्लेवर ऑयल में आ जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे एक ऑनियन। यहाँ पर मैंने एक ऑनियन ले लिया है जिसे इस तरीके से हम स्लाइस कर लेंगे। ऑनियन को हमें बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा जिसके जो एजेस है ब्राउन हो जाएंगे। उसके बाद हमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। वो डाल के हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इसकी स्मेल और टेस्ट जो रॉ स्मेल है वो निकल नहीं जाती। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून चना दाल ले लिया था, इसे हम वॉश कर सोक कर लिए थे 1/2 आवर के लिए। अब उसको इसमें ऐड कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। चना दाल जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर लेंगे चॉप्ड किया हुआ कैबेज। यहाँ पर मैंने 1 पत्ता गोभी ले लिया है जिसे हम कैबेज भी बोलते हैं और बंद गोभी भी बोलते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड कर लिया मैंने। 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ईजी है, सिंपल है बनाने और समर्स में आप जितने वेजिटेबल्स खाओ उतना अच्छा आपके हेल्थ के लिए। यहाँ पर 1/2 कप पानी ऐड कर लेंगे और इसका जो लिड है वो कवर कर लेंगे। 4 से 5 मिनट के बाद हम लिड ओपन कर लेंगे। देखिए हमारा कैबेज और चना रेडी है, आप इसे सर्व कीजिए। ये बनकर रेडी है। बहुत ही इजी है बनाने में, बहुत ही सिंपल है और उतना ही डिलीशियस बनता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका चना कैबेज किस तरीके से बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।